अस्सलामुअलैकुम गाइस, फातिमा कुकिंग में फिर से आपका एक बार वेलकम है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रगड़ा पैटीज, जो बहुत ही मज़े का और चटपटा बनता है। चलिए देखते हैं उसके बनाने का तरीका। लेकिन उससे पहले एक बात, आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने 400 ग्राम मटाना ले लिया है। इसको मैंने 5 घंटे पहले धो के भिगो दिया था। थोड़ा सा हल्दी नमक डाल के इसको हम बॉईल करके निकाल लेंगे साइड में। यहाँ मैंने वटाना बॉईल करके निकाल लिया है। यहाँ हमने ले लिया है एक बड़ी प्याज कट की हुई। यहाँ मैंने बना ली हूँ एक कटोरी तीखा पानी, जो पानी पूरी का जो पानी होता है तीखा वाला, वो आपकी चॉइस के ऊपर है आपको डालना है नहीं डालना है। यहाँ हमने ले लिया है ग्रीन चटनी, यह हरी मिर्ची और हरा धनिया, ज़ीरा डाल के हमने इसको पीस लिया है, लहसुन डाल के, और ये मीठी चटनी है, और साथ में ले गई चाट मसाला, काला नमक, और हमने 2 कट की हुई हरी मिर्ची ले ली है, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा बारीक शेव, और 1 किलो हमने बटाटा बॉईल करके उसके छिलके उतार लिए हैं। और ये लगड़ा हमने जो बॉईल करके इसको भी निकाल लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आलू को घींच लेंगे पहले, या तो हाथ से मैश कर लो या तो इस तरह से उसको घींच लो। ये इस तरह से हो जाएगा। हमने यहाँ सारे आलू को घींच लिया है। अब उसमें डाल देंगे हम 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला, और थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च, यहाँ अब हम क्या करेंगे, हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे सबको कुछ इस तरह से। यहाँ हमने इसको हाथों से मिक्स कर लिया है। अभी हम टिक्की बनाएंगे। यहाँ हाथ में थोड़ा सा आप हल्का सा तेल लगा लीजिए। टिक्की आपको छोटी चाहिए बड़ी चाहिए, वो साइज़ आप अपनी चॉइस के ऊपर ले लीजिए। और टिक्की जब भी बनाएं पैटीज वाली, तो आप उसको मोटी रखें, टिक्की को पतली नहीं रखना है, कुछ इस तरह से। मैं एक और केक आपको बना के बताऊँगी। ऐसी हम टिक्की बना के सारी टिक्की हम रेडी कर लेंगे। यहाँ हमने एक पैन में तेल पहले से हमने गरम होने चढ़ा दिया था, हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन तवा आप या फ्राई पैन यूज़ करो तो आप नॉनस्टिक का होना चाहिए कि आलू टिक्की हम उसमें डालें तो नीचे से चिटके ना, नहीं तो आप इसको सबसे बेस्ट है कि डीप फ्राई कर लो ऐसा। अब जब भी टिक्की डालो तो उसको छीलना नहीं है, उसको हाई फ्लेम पे हम इसको थोड़ा फ्राई होने देंगे। जैसे कि एक साइड से आपको दिख रहा है कि इसका कलर चेंज हो गया है, तो हम इसको एक एक करके सबको पलटा देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ हमने टिक्कू को एकदम आराम से पलटाना है, क्योंकि वो टूटे ना। अभी दूसरी साइड से भी इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, ये दोनों तरफ से फ्राई हो चुका है। अभी हम टिक्की को निकाल लेंगे। यहाँ अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। यहाँ हमने एक डिश ले लिया है। सबसे पहले हम उसमें डाल देंगे लगड़ा। अब ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे हम लाल मिर्च पाउडर, और जो टिक्की हमने फ्राई करके निकाल लिया था वो हम टिक्की रख देंगे इसमें 2 कुछ इस तरह से। ऊपर से डाल देंगे हम थोड़ा सा प्याज,
अब जाएगा उसमें हरी चटनी, मीठी चटनी, अब ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे हम काला नमक, हरा धनिया और जो बारीक शो ली हुई थी वो हम थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे इसमें। अभी हमारा चटपटा लगड़ा पैटिस रेडी है खाने के लिए। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।